हाँ साढ़े विच अभिजीत कौर कित्थे है बेटा आ जा। ए बेटी कोई साढ़े पंजवें या छेवें सैशन च आई सी और ये गुरमत कॉलेज विच्चों ही एक बेटा साढ़े को अठवीं नौवें सैशन सी ते गुरमत कॉलेज के उपराले नाल ही ये जोड़ी बनी। और मैं समझदा कि मैनू बड़े लोग कहिंदे हुंदे सी कि जी तुसीं इत्थे बच्चे बच्चियां दे भी गल करो कोई विआह दा हो जाए, तो मैं बिच पैना नहीं सी चाहुंदा भी चलो अजकल जो हालात असी देखते हैं, पर ये पता नहीं किवें रब ने करवाता कुदरत ने गुरु ग्रंथ साहब की कृपा नाल। तो ये अभिजीत बेटी हुण इन्हें जाना सी क्योंकि इसलिए मैनू आउट ऑफ द टर्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं यह दसना चाहती हाँ कि मैं इस कोर्स विच एडमिशन किदा लिया। मेरे ब्रदर एक बार बंगला साहब गुरुद्वारे विच दर्शन करन गया सी, ते बस उन्हें रजिस्टर करवा दिता, तो उन्हें घर आके मैं दस्या कि मतलब इस तरह का कोई कोर्स है तो तुहानू जाना चाहिए। तो मैं सोचा कि मतलब मेडिकल बैकग्राउंड विच मैं लग्या कि भाई इस तरह ना मैं लगता है कि स्टडीज़ के नाल नाल ना कोई कोर्स हो सकता है, पर फिर मैंने लग्या कि एक बार जाके जरूर ट्राई करना चाहिए कि मतलब किदा का कोर्स है। इस तरह का कोर्स हले तक सुनया तो है नहीं। मैं फिर मैं एक बार इधर आई तो मैं पहला तो हैरान हो गई इन्नी संगत वेख के कि इधर हिंदू वीर भी सी, मुस्लिम्स भी सी उस टाइम एक दो कोर्स विच, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज सी कि मतलब इस तरह का भी कोई कोर्स चल रहा है। फिर जब मैं इधर एक लैक्चर अटेंड किया, दूजे लैक्चर विच खुद आने का मन किया, फिर मैनू मतलब इसी तरह रेगुलैरिटी बनती गई स्टडीज़ के नाल वाल कुछ ना कुछ टाइम आउट करके फिर मैं इस लैक्चर विच आती सी। एदे नाल मतलब एडवांटेजेस इन्ने ज़्यादा ने कि वैसे तो मैं दस नहीं सकती, बट इन शॉर्ट सब तो पहला तो यह होया कि मैं पहला नॉर्मल पाठ करती सी, जो भी जपजी साहब का कर लिया या जो भी पाठ तुसी कर सकते हो अपने टाइम डिवोशन के अकॉर्डिंगली। पर उस तो बाद फिर मैं सेंचियां का पाठ करना शुरू किया। मैं इतने 8 सैशन तो स्टार्ट किया सी, सेंचिया का हौला हौला पाठ करना शुरू किया क्योंकि अंकल हमेशा कहते सी रीड बिहाइंड द लाइन्स, तो मैंने लगे कि सिर्फ पाठ करन तो कुछ नहीं होएगा, एक बार करके देखना चाहिए। जो थानू लगता है कि तुसी उन्हों कोप अप कर सकते हो स्टडीज़ के नाल तो थानू जरूर करना चाहिए। फिर मैं उस तरह सेंचिया का पाठ करना शुरू किया, तो हूँ भी वो कॉन्टीन्यूएशन भी चलता रहता है, जिदा जिदा मन करता उस तरह कदे ज़्यादा कर लिया कदे थोड़ा कर लिया वो चलता रहता है। दूजा पार्ट हैगा कि मैं ESI हॉस्पिटल विच फिजियोथेरेपिस्ट हाँ, तो दूजा जिहड़ा चेंज मेरे विच आया वो हैगा काइंड हार्टेडनेस, तो मिठा बोलना थोड़ा जहा, क्योंकि जो भी पेशेंट्स मेरे को आते हैं वो काफ़ी लो प्रोफाइल के होंगे ने, जिमें कि लेबर क्लास होंगे बेसिकली जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो वैसे ही इन्ना परेशान होंगे ने, तो उन्होंने जो 5 मिनट भी मिठा बोलो तो उन्होंने काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो ESI हॉस्पिटल की सर्विसिज के नाल नाल जिन्ना भी मैं उन्होंने कर सकती सी मैं उन्होंने करती हाँ, तो मैं लगता है कि वो एक यह भी एक तरह का सादा गुडविल हो रहा है कि भाई असं अपने रिलीजन ही प्रमोट करें इस तरह भी। तीजा पॉइंट मैनू लगता है कि एक तो मैं लाइफ पार्टनर बहुत ही वधिया लाइफ पार्टनर इदा मिले है, यह भी बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस कोर्स का। तो उस तो बाद मैं लगता नहीं अंकल वैसे रियल विच एडवांटेज है जे इस तरह के बंदे असं लभन चाहिए कि जो थानू डिवोट कर सकन रिलीजन का टाइम, तो वो अज की डेट में जीवनसाथी.com या इस तरह की .coms तो नहीं लभ सकता थानू, जिहड़ा तुसी उस क्लास विचों तुहानू जे लग जांदा है तो वह बहुत ही वधिया गल है। तो दूजा मैं लगता है कि एसेंशिया का पाठ करन नाल ना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा आंदा है। कई बार होंदा है कि हॉस्पिटल सेटअप विच भी या जॉइंट फैमिलीज विच भी छोटिया मोटिया गल्लां होंदियां ने, बंदे नू लगता है कि उन्हें यह किया इन्हें यह किया, पर इस तरह हो गया कि इन्हां गल्लां तो मेरा ध्यान हट गया। मैं लगता है जिन्ना भी टाइम तुसी डिवोट कर सकते हो अपने रिलीजन वास्ते गुरबाणी सुनना कीर्तन सुनना यह सब तुसी कर सकते हो, तुहानू करना चाहिए। तो उस तो बाद मैं एक तो थैंक्स करना चाहती हाँ हरिंदरपाल अंकल नूं कि उन्होंने इन्ना वड्डा उपराला किया है। मैनू पता नहीं कि हैड्स ऑफ टू अंकल के वो किस तरह दोनों फैमिलीज मैनेज करते हैं, अपने घर की फैमिली भी तो एवली फैमिली भी। हुण भी मैनू याद है उस दिन अंकल नूं वायरल फीवर से ता भी अंकल इधर आए हुए सी, तो मैनू लगता है कि वो एक ना इटरनल पार्ट हो गया उन्होंने लाइफ का यह चीज़ जिहड़ी हैगी है। उस तो बाद काफ़ी बार इस लैक्चरस विच किया जाता है कि भाई इत्थे जो भी श्रोतागण ने लैक्चरर्स ने तो जो भी लिसनर्स ने वो बहुत ही वधिया ने कि वो काफ़ी कंसनट्रेशन ये चीज़ा सुनते हैं जो भी लैक्चर होंगे, पर मैं लगता है कि इतने के लैक्चरर्स भी इन्ने वधिया ने कि वो लिसनर्स नू उस उन्हों का कंटेंट ही इन्ना स्ट्रोंग होंगे कि वो पूरा लिसनर्स नू बन देंगे दे।
मतलब मैंनु लगता है कि जो लेक्चरर्स का कंटेंट इन्ना स्ट्रोंग नहीं होगा तो कोई भी इन्नी कंसंट्रेशन नाल नहीं सुन सकता। तो सजेशन मैं देना चाहती हाँ कि यह चीज़ जो असी स्कूल विच किसी तरह प्रमोट कर सके, कोई इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेस स्कूल बच्चों बारे भी असी जो प्रमोट कर सके तो बहुत ही वधिया गल है। बाकी वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।